स्टार पेपर कल 151 रुपए पे बंद हुआ था और 150-151 रुपए के लगभग, और बहुत इनफैक्ट क्या है कि स्टॉक्स तो हम इजीली देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाए ऐसा लगता नहीं है, बट वहां पे वैल्यू देखना जरूरी है। और इस स्टॉक को मैं लाने का रीजन भी यही है कि एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, पार्ट ऑफ डंकन गोयनका ग्रुप कंपनी है और बुक वैल्यू से नीचे चल रही है, 343 का बुक वैल्यू और उसके सामने 150-155 के भाव चल रहे हैं, तो ये एक रीजन है। और बहुत पुरानी कंपनी, मतलब 1936 से कंपनी कार्यरत है और ये पहले जो प्रमोट हुई थी मतलब सेठ बालदेवदास बाचूरिया ग्रुप था, उन्होंने स्टार्ट किया था और उसके बाद डंकन टेक ओवर किया। अच्छी खासी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनके पास, कैप्टिव पावर प्लांट भी है 14 मेगावाट का, तो और अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पेपर में भी बहुत सारे, जैसे कि आप कल्चरल पेपर्स और डायरी और ये सब में जो यूज होना, कुछ वेडिंग कार्ड्स और ये सब से रिलेटेड भी कार्ड व सब पेपर्स यूज करती हैं ये। सो इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अब एक पेपर स्टॉक्स ओवरऑल पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा ठीक परफॉर्म किया और आज की भी डेंजरस मार्केट में कोई बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो 6 के P/P पे स्टॉक है और 343 का मैंने बुक वैल्यू बोला, 2% का डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी और पिछले अगर 7 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 13-14% है, क्योंकि लाजमी है कि बीच में जो 3-5 साल के जो प्रॉफिट कैगर्स और ग्रोथ है वो पेपर इंडस्ट्री का बहुत बैडली अफेक्टेड हुआ था। और अब मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखूं तो लास्ट 4-5 क्वार्टर बहुत बढ़िया गया है, बैक ऑन द ट्रैक है पूरी कंपनी। तो 8 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, उसके सामने मार्च 2022 में 18, अगर अदर इनकम को भी फैक्टर करते हैं तो भी 8 करोड़ के सामने ये 11 करोड़ मान सकते हैं, तो इस तरीके की ग्रोथ थी। और पहले ये कंपनी देखिए प्री कोविड 50-60 करोड़ आराम से कमाती थी सालाना, इस बार ये 37 करोड़ कमाई है। तो रीजन यही है कि बीच में 1.5-2 साल पेपर स्टॉक्स के लिए बहुत खराब गए थे, तो काइंड ऑफ हम लगता है कि बाउंस बैक हुआ है पूरा, जो रीओपनिंग हुई है सबकी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो कुछ रेनाउंड नेम्स पब्लिक शेयर होल्डिंग में इन्वेस्टेड है, तो इसलिए भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लें, मैंने ये स्टॉक वैसे 7-4-2021 को दिया था, टारगेट्स अचीव हुए हैं, अब वापस से उन्हीं लेवल्स पे 150 का पिछली बार टारगेट दिया था, वापस से वही मिल रहा है और प्लस ग्रोथ भी है, तो 175-190 का टारगेट लगाए और वैसे ये स्टॉक ने हाईस पहले 305 के दिखाए।